इन 3, 2, 1। तो भाई देखो भाई पनीर का साइज इसके ऊपर। हेलो राइटर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वीकेंड बाय। सो आप लोग के हमेशा कमेंट्स रहते हैं कि भाई साहब हमेशा आप नॉनवेज ही खा मुकबैंग करते हो, नॉनवेज ही मुकबैंग करते हो। तो आज हमने आपकी दिल की बात सुन ली और आज हम लोग ने पूरे डिश सारे के सारे वेजिटेरियन डिश लिए। बाप रे, तो भाई आज है वेज का धमाका। yes. वेज के धमाके में भाई बहुत सारे हम लोग ने वेज आइटम्स लिए, एकदम टेस्टी टेस्टी। देखो सागर बताएगा एक एक करके। तो सबसे पहले ये है जीरा राइस, जीरा राइस। ये है पूरी, पूरी। ये है शाही पनीर, हाँ, और पनीर का साइज भी एकदम बड़ा बड़ा है। yes. मस्त। और ये है छोले मसाला, क्या बात है। ये है रसमलाई, मेरा फेवरेट। ये है मंगोलियन मैक्रोनी पास्ता, बाप रे नाम कर याद रखने में yes. दिक्कत। और ये है शाही पनीर की ग्रेवी, ग्रेवी। आहा, भाई अभी से ही मुंह में पानी आ गया। आज वेज आइटम्स है फिर भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं देख के ही। अभी खाएंगे तब समझेगा। तो चलो भाई और देर नहीं करते और मुकबैंग शुरू करते हैं। तो सागर शुरुआत किससे करें आज? तो हमेशा लोगों ने कहा है कि किसी अच्छी शुरुआत करने से पहले कुछ मीठा खाना चाहिए हमें। ओके, और भाई हमेशा तू बोलता है अंडा चैलेंज, हाँ। चिकन लेग पीस चैलेंज, तो क्यों ना आज थोड़ा मीठा चैलेंज हो जाए। तो चलो भाई एक एक रसमलाई उठा लो और चैलेंज शुरू करते हैं। रसमलाई चैलेंज पहली बार होने जा रहा है भाई। चलो भाई ये देखो, ओहो ये थोड़ा अलग ही रसमलाई है, एकदम सॉफ्ट है भाई, एकदम सॉफ्ट है। चलो भाई तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ रसमलाई चैलेंज इन 3, 2, 1। पूरा जैसे ही अंदर गया मैंने वैसे ही पूरा नीचे ही चला गया डायरेक्ट। चलो कोई बात नहीं, अभी क्या टेस्ट करते हैं। छोले भी है और पूरी भी है, तो चलो छोले पूरी हो जाए, हो जाए। चलो पूरी दे दो और पूरी का साइज देख लो भाई। तो भाई एकदम अच्छे से डुबाओ, एकदम अच्छे से छोले मसाला, वाओ। ये देखो और बड़ा बाइट ले लो भाई। अच्छा भाई क्या टेस्ट था, लेकिन छोले भी टेस्टी है और पूरी के साथ और मजा आ जाता है भाई। अब क्या करें, अब पास्ता ट्राई करते मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि पास्ता बहुत स्पाइसी लग रहा है इस बार। भाई ये जो पास्ता है वो डायरेक्ट आया है मंगोलिया से, बाप रे, क्योंकि इसका नाम ही है मंगोलिया मैक्रोनी पास्ता। ओके तो चलो भाई टेस्ट करते हैं क्या है ऐसा उसमें, देखते हैं। चलो भाई चीज डाला की मजाक किया है, टैंगी स्पाइसी भी है और चीज भी है भाई। इसमें क्या क्या डाला है मैं आपको बोलता हूँ जितना समझ में आता है। टोमेटो लग रहा है, कॉर्न लग रहा है, शिमला मिर्च है और ब्रोकली है, ब्रोकली है और पिंक कलर का सॉस है शायद, ऐसा लग रहा है, पता नहीं लेकिन दिख तो रहा है। टमाटर भी है और चीज भर के डाला है और ये मैक्रोनी। चलो भाई एक नंबर। अभी क्या, अभी शाही पनीर भाई, तू तेरे को पनीर पसंद है ना, तो दिखा अभी मस्त पनीर। भाई भाई रुको, नजाकत से उठाना पड़ता है कि ये देखो भाई पनीर का साइज, आहा एकदम शाही। भाई घुल गया मुंह में पनीर। जबरदस्त, मतलब मुंह में जाते ही घुल रहा है। देख तू स्टार्टिंग में थोड़ा चौंक गया था ना कि रसमलाई खत्म कैसे हुआ, अब मैं तेको फिर से बताता हूँ खत्म कैसे हुआ था। ये देखो भाई भाई मजा आता है भाई ऐसा कुछ रसमलाई। देखो मेरे को स्वीट घुलने वाला है, घुलने वाला, मेरे को स्वीट पसंद नहीं है लेकिन फिर भी अब है सामने तो खा लेने का सब। एक नंबर भाई, अभी जीरा राइस को खाते हैं, बेचारा वेट कर रहा है जीरा कि हमें कब खाओगे।
उसके साथ है इधर शाही पनीर की ग्रेवी, ग्रेवी ग्रेवी डालते हैं। चलो भाई अभी टेस्ट करके देखते हैं। थोड़ा राइस मीठा हो गया, बहुत मस्त टेस्ट है लेकिन। इसके ऊपर रखेंगे अपन पनीर। इसमें डालते हैं ये पूरा भर के, इसमें डालेंगे छोले मसाला। ये बन गया वेज पुलाव। भाई सच बोलूँ ना, ये जो ग्रेवी है ना सेम बटर चिकन वाली ग्रेवी है, उसमें सिर्फ चिकन के जगह पे पनीर है। तो भाई अभी ये गोल बचा है, ये गोल का क्या किया जाए बताता हूँ, क्या कर सकते हैं भाई। ये लेते हैं पूरी, ये डालेंगे ऐसा पूरी इधर, ये गोल को रखेंगे इसके ऊपर और ये बन गया पूरी का गोला। अपन भी गोला बनाएंगे, मैं थोड़ा अलग स्टाइल में बनाएंगे, दिखाता हूँ रुको। पूरी के अंदर थोड़ा राइस, इसके ऊपर जाएगा भाई लखा पीस, इसके ऊपर ये ग्रेवी पास्ता। वाह वाह, अलग अलग खाने का जरूरत ही नहीं, सब मिक्स कर दिया। चलो भाई अभी ये मंगोलियन से आया हुआ पास्ता खाते। सुप्रिया के लिए पनीर रख, मैं तो गया तू। हाँ ये रखा है देख। भाई ये जो मंगोलिया से पास्ता आया है, ये एक तो इतना स्पाइसी है और इतना सॉस डाल के रखा है अंदर, बाप रे। डन फिनिश।
तो भाई फुल आज वेज का था, मजा आया कि नहीं? मेरे को भाई शाही पनीर, मतलब मेरे को स्वीट इतना पसंद नहीं, लेकिन शाही पनीर एक नंबर था भाई। मैंने तो पूरे निगल लिए, सागर ने पास्ता निगल लिया पूरा भाई। जीरा राइस के साथ शाही पनीर का कॉम्बिनेशन एक नंबर, जैसे बटर चिकन था रहता है वैसे ही शाही पनीर, ऐसा बोल सकते हो। और छोले मसाला भी मस्त था, मतलब इन शॉर्ट कुछ कमी थी नहीं आज के मुकबैंग में। मतलब बोले ना कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, सब अच्छा है अपनी जगह पे, एक नंबर, मजा आ गया। अभी बस ठंडा ठंडा छाछ मिल जाए, अभी हम लोग छाछ पीने जाएंगे, मस्त मजा आ जाएगा। बाकी आप बताओ इसमें से आपकी सबसे फेवरेट डिश कौन सी रही, कमेंट में जरूर बताना। यस, तो यही था हमारा आज का स्पेशल वीडियो। अगर आपको आज का मुकबैंग पसंद आया तो प्लीज अभी जाके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अगर अपने वीकेंड बेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी जाके सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए आप भी हमारा जैसे खाओ पियो और मौज करो भाई, लेकिन स्लो खाओ, फास्ट मत खाओ। बाय।